हाय गाइस और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी और रिव्यू के लिए जो प्रोडक्ट है वो है द फेस शॉप का ही जेजू एलोवेरा जेल। तो मैं इस एलोवेरा जेल का आज आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे रोज नए नए स्किन केयर, हेयर केयर और प्रोडक्ट रिव्यूज के वीडियोज आपके लिए लाती हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसकी प्राइस है 450 रुपीज और ये 450 रुपीज में 300 ml आता है। तो अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो गाइस अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग में हमें ये यूज वाला टब मिलता है जो कि प्लास्टिक का ट्यूब है, टब है। इसमें हमें दो पैकेजिंग मिलती है, एक होती है जो हमारी लाइक ट्यूब वाली पैकेजिंग और ये टब वाली पैकेजिंग। मैंने ये टब वाली पैकेजिंग ली है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा एलोवेरा जेल यहाँ पे है और पीछे इन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ डिटेल में लाइक दिया हुआ है। और ये जो टब है ये बहुत ही बड़ा है, अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये टब कितना बड़ा है। दो ये ट्रैवलिंग के लिए उतना ज़्यादा लाइक थोड़ा सा बल्की होगा, बट हम अपने दूसरे कंटेनर में ये एलोवेरा जेल निकाल के ट्रैवल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये कहीं से भी लीक नहीं होता। ये जो टब है ये बहुत ही लाइक स्टर्डी है और वैसे पैकेजिंग की अगर बात करें तो उतने हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि हमें हर बार अपने फिंगर्स डीप करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ये टब बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एलोवेरा जेल है। सो ओवरऑल पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग वाइज ये बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी स्मेल की। तो गाइस इसकी स्मेल बहुत ही लाइक रिफ्रेशिंग स्मेल है, जैसे कि क्यूकुम्बर की स्मेल होती है उसी टाइप इसकी स्मेल है, थोड़ी एलोवेरा और क्यूकुम्बर टाइप मिक्स इसकी स्मेल है। सो ओवरऑल स्मेल इतनी ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है, सिर्फ लाइट और इसकी माइल्ड स्मेल है। सो स्मेल की अगर बात करें तो स्मेल वाइज ये स्मेल बहुत ही लाइक अच्छी वाली स्मेल है इसकी। अब देखते हैं इसका टेक्स्चर। तो बस टेक्स्चर इसका बहुत ही लाइक जेल फॉर्म में आता है और ये लाइट वेट भी है, ये झट से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन पर। तो आप देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर, ये नॉर्मल एलोवेरा जेल का जैसे टेक्सचर होता है उसी तरह इसका टेक्सचर है। ये विद इन अ सेकेंड्स हमारे स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और एक कूलिंग सेंसेशन भी देता है। सो टेक्सचर की अगर बात करें तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, ये कोई भी लाइक स्टिकी फील नहीं देता हमारे स्किन के लिए। सो ओवरऑल टेक्सचर इज वेरी गुड। तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की और रिव्यू की। तो गाइज ये जेजू एलोवेरा जेल 99% एलोवेरा जेल है और ये द फेस शॉप ब्रांड का एलोवेरा जेल है। इसमें हमें दो लाइक वेरिएंट्स मिलते हैं, लोटस वाला भी है, ये एलोवेरा भी है। और एलोवेरा में ये टब फॉर्म में भी आता है और जो ट्यूब फॉर्म में होता है वो भी आता है। ट्यूब वाला मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है इससे, क्योंकि हर बार हमें यू नो ओपन करके इसे अपने हैंड्स लेके इसमें डिप करने पड़ते हैं, लेकिन ट्यूब थोड़ा कन्वीनियंट है इस टब से अगर कंपेयर करें तो। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है गाइस और इसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट है लाइक बहुत सारी। ये एक नॉर्मल सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा जेल नहीं है, अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे। दो ये कहते हैं कि एक 99% एलोवेरा जेल है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स अगर हम पीछे देखें तो इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अब बात करते हैं इसके लाइक रिव्यू की। तो रिव्यू की अगर बात करें तो इसने मेरे स्किन पर कोई भी ब्रेकआउट पिंपल जैसा नहीं दिया है और जब कभी भी हम इसे लाइक मैं इसे अप्लाई करती हूँ ये तुरंत कूलिंग सेंसेशन देता है स्किन के लिए, सनबर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक मैं कभी कभी इसे अपने हेयर मास्क के साथ लाइक हेयर्स पर भी एज अ सीरम की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। सो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है और 450 में इसकी क्वांटिटी अगर देखें तो क्वांटिटी हमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है। लाइक ये हमें विद इन 5 to 6 months आराम से चल जाएगा अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ यूज़ करते हो तो। अगर आपके ऑयली स्किन है तब भी आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने बॉडी लोशन में, सनबर्न में, लाइक बहुत सारे एलोवेरा जेल के जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक जो इसके यूजेस होते हैं हम वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो एलोवेरा जेल वाला यूजेस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए, मैंने एलोवेरा जेल के यूजेस पर एक अलग वीडियो बनाई है।
अगर इसकी बात करें ना तो ये एलोवेरा जेल मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैंने ना बहुत सारे ब्रांड्स के एलोवेरा जेल ट्राई किए हैं लेकिन कई ने मुझे पिंपल्स दिए, लाइक कई ने मुझे लाइक रैशेस तक भी दिए. इसलिए मैं किसी भी अदर ब्रांड का मोस्ट ऑफ द टाइम एलोवेरा जेल ट्राई नहीं करती हूँ. अगर फेस शॉप की बात करें तो मुझे इनका एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है. अगर किसी दिन हमारा मॉइस्चराइजर ख़त्म हो जाए तो हम सिर्फ ये एलोवेरा जेल से काम चला सकते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास ना एलोवेरा जेल होना ही चाहिए. हम ऐसा प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं और ये एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा है. लेकिन सिर्फ इसकी एक बात है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ एलोवेरा जेल नहीं है, इसमें लाइक बहुत ही सारे यू नो इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट है. सो ये एक 100% प्योर एलोवेरा जेल हम इसे नहीं कह सकते. अगर आपको 100% एलोवेरा जेल सिर्फ चाहिए हो तो आप फॉरेस्ट एसेंशियल का वगैरह थोड़ा सा कॉस्टली आता है वो ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लाइक बजट फ्रेंडली एलोवेरा जेल चाहिए हो जिसमें अदर इंग्रेडिएंट्स भी एडेड हो लेकिन ये हमारे स्किन के लिए कोई भी हार्मफुल लाइक नहीं है, लाइक इसमें ना ये हमारे स्किन को लाइक इरिटेट करता है ना पिंपल देता है, ये नॉर्मल एलोवेरा जेल की तरह काम करता है. सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये एलोवेरा जेल लाइक बहुत ही अच्छा. और इसकी एक्सपायरी अगर देखें तो इसकी 2 साल तक एक्सपायरी है. सो 2 साल इट्स लाइक वेरी नाइस, लाइक हम इसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं. और ओवरऑल क्वांटिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी क्वांटिटी हमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है. सो अगर आप एलोवेरा जेल एक ट्राई करना चाहते हो वो भी बजट में तो आप ये फेस शॉप वाला जो जेजू एलोवेरा 99% वाला एलोवेरा जेल है इसे ट्राई कर सकते हो. तो गाइस ये थी मेरी आज की एलोवेरा जेल की वीडियो. आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ. सो टिल देन बाय.